नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर विकास नगर के तिलक भवन में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा उनको पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि प्रणब दा ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित किया है। एक साधारण परिवार से निकलकर वो इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। साथ ही उन्होंने विभिन्न संकटों में कांग्रेस को मजबूती देने का भी काम किया है। उनके निधन से सभी देशवासियों में शोक है। देश में गिरती अर्थव्यवस्था के संबंध में देहरादून के विकास नगर ब्लॉक में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी से संपूर्ण देश जूझ रहा है और ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। इतना ही नहीं, आम जनमानस का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, फिर भी स्कूल प्रबंधकों द्वारा बच्चों के परिजनों से फीस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। आज हमारे द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक 5 सूत्रीय सुझाव पत्र दिया गया है, जिसमें हमारे द्वारा उसे गुहार लगाई गई है कि आप जो है लॉकडाउन पीरियड में ये जो बिजली व पानी के बिल हैं या तो इनको माफ़ कर दें या फिर आधा कर दें। वहीं दूसरी और हमारे द्वारा दूसरी मांग पे ये कहा गया है कि आप जो है एक्साइज ड्यूटी जो है डीजल पेट्रोल पर और CNG पर कम कर दें, जिससे कि उसकी कीमत जो है 15 से 20 रुपये कम हो जाएगी पूरे भारतवर्ष में। महिला शोषण के आरोप में घिरे द्वाराघाट से विधायक महेश नेगी के खिलाफ कांग्रेसियों ने नरेंद्र नगर में एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में नेतृत्व नरेंद्र नगर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हिमांशु विजलवाड़ में किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उन्होंने महिला के दुष्कर्म के आरोपी विधायक को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने उनकी मांग पूरी नहीं की तो वो आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर सभी जनपद मुख्यालयों में और तहसील मुख्यालयों में प्रदेश के कांग्रेस जन SDM और DM के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमने मांग की है कि द्वाराहाट के विधायक, जिस पर एक पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और उनकी DNA की जाँच की मांग की है। उनका कहना है कि जो मेरी ये लड़की है ये उनकी बेटी है और वो सरकार से उनके DNA की जांच की मांग को ले रही है, पर सरकार का अड़ियल रवैया जो है वो उनके DNA की जांच नहीं करा रहे हैं। हम पूरे प्रदेश के कांग्रेसजन राज्यपाल महोदय के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी DNA की जांच हो और आरोप सिद्ध होने पर वो जेल की सलाखों के अंदर हो। सिखों के विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के कपाट इस बार कोरोना के चलते तय समय पर नहीं खुल पाए थे, लेकिन अब गुरुद्वारे के कपाट खुलने की तारीख 4 सितंबर तय कर दी गई है। इसी संबंध में गोपेश्वर स्थित जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने बैठक की। बैठक में DM ने यात्रा से संबंधित सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि यात्रा पर आने वाले हर श्रद्धालु को अपने साथ कोविड निगेटिव का प्रमाण पत्र लाना जरूर होगा। आज ये सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और अधिकारी, उनके साथ बैठक की गई हेमकुंड यात्रा को लेकर, और उसमें 4 सितंबर से कपाट खुल रहे हैं और उसमें RT-PCR टेस्ट जो भी बाहर से उत्तराखंड के बाहर से आने वाले लोग होंगे उनके लिए विदिन 72 आवर्स का RT-PCR टेस्ट कंपल्सरी है। एंड साथ में वहाँ पे 200 लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए बाकी ऋषिकेश से और अन्य जगह से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मत आएँ और अन्य जो हमारी बिजली पानी और मेडिकल वगैरह की सुविधाएँ हैं वो सब सुचारू की जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने राज्य में किसानों की तस्वीर बदलने के लिए एकीकृत आदर्श ग्राम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दे दी है। इस बैठक में CDO निकिता खंडेलवाल ने कहा कि विकास नगर ब्लॉक के दूरस्थ गांव पष्टा गांव की दशा IMA विलेज योजना से सुधरेगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्रामीणों को गांव की कृषि और उसके सहायक व्यवसाय को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए जरूरी संसाधन सरकार की ओर से मुहैया कराए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम पंचायत भी आत्मनिर्भर बन सके। ये हमारी कृषि मंत्रालय की स्कीम है, एकीकृत आदर्श ग्राम योजना, IMA विलेज बोलते हैं इसे, इंटीग्रेटेड मॉडर्न एग्रीकल्चर विलेज। इसके लिए हमें अपने प्रत्येक विकास खंड में एक गांव का चयन करना है, तो कृषि विभाग द्वारा कुछ गांव सजेस्ट किए गए थे, जिसमें से हम लोगों ने ये एक बैठक करी थी जिले स्तर पर, जिसपे हमने निर्णय लिया था कि हम लोग गाँव का जो चयन है वो खुद गाँव में जाके गाँव की परिस्थिति को देखते हुए गाँव में लोगों से बात करते हुए ही चयन करेंगे। तो उसके चलते हुए हम आज पहली बार विकास खंड विकास नगर में पष्टा गाँव में आए हैं,
क्योंकि यहाँ पे मक्का का अच्छा खेती है, मक्का के साथ साथ लोगों ने यहाँ पे अदरक भी करी हुई है और लोग उसके अलावा यहाँ पे पशुपालन भी करते हैं, तो उसको देखते हुए क्योंकि एक इंटीग्रेटेड गांव बनना है, ना कि सिर्फ कृषि आधारित बनना है बट कृषि, हॉर्टी, पशुपालन और फिशरी सबको लेते हुए साथ में चलना है, तो इसलिए आज उस गाँव में हमने आज भ्रमण किया है। और यहाँ पर लोगों की समस्याओं के साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि लोगों का यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, अगर लोग एक पर्टिकुलर इनकम पर हैं, उनकी एक आय है, उनकी आय में हम कैसे बढ़ोतरी ला सकते हैं, तो इसलिए हमारे आज ज़िले के सभी डिपार्टमेंट यहाँ पे आए हैं, लगभग 15 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, और लोगों की जो जो उत्सुकता है, जो जो जानकारियाँ लोग अपने बारे में, अपने खेतों के बारे में लेना चाह रहे हैं, उसको भी दे रहे हैं। अगर ये गांव चयनित कोविड-19 के चलते सहज होकर ड्यूटी दे रहे पैरामेडिकल कर्मियों को पूरा वेतन न मिल पाने पर पैरामेडिकल कर्मियों ने रुद्रप्रयाग में एक कोविड सेंटर में कार्य बहिष्कार कर दिया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक अनुबंधित कंपनी के माध्यम से कोविड सेंटर ने पैरामेडिकल कर्मियों के तौर पर लगाया गया था, लेकिन उन्हें बीते 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द वेतन नहीं दिया गया तो वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में एक गुलदार ने 30 वर्षीय व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया। युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लगातार क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद अब वन विभाग ने घटना स्थल पर पिंजरा लगा दिया है, साथ ही शूटर जॉय हुकेल को भी तैनात कर दिया है। आज देवप्रयाग में ये PWD के जो गेस्ट हाउस की रोड है उस पे एक आदमी बाघ ने मार दिया रात को, तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार के निकम्मेपन का वो है ये कि सरकार हमेशा बरसात में एक दो मतलब भरपूर पट्टी में बाघ खाता ही खाता है लोगों को, लेकिन सरकार इतनी गहरी नींद में सोई है, उसके सारे फॉरेस्ट के लोग इतने गहरी नींद में सोए हैं कि कोई मतलब प्रिकॉशन सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है। हमने कहा है अगर आज की डेट में यहाँ पे शूटर नहीं आता है, बाघ मारने के आदेश नहीं होते हैं, तो फिर क्या हर्ष होगा चक्का जाम से लेके, और क्या दफ्तरों पे तालाबंदी और तमाम सरकार के अधिकारी आ नहीं सकते, ये हम ऐलान करते हैं और सरकार कान खोल के सुन ले कि अब हमेशा ये इंतजार रहता है सरकार को कि कब मरेगा कोई, तब हम प्रिकॉशन लेंगे। अभी मतलब कितनी गायें, कितने बछड़े, कितने लोग, कितने तमाम कुत्ते, बिल्लियां, तमाम बाघ ने मतलब यहाँ मार के किनारा किया है, लेकिन सरकार फिर भी चेतती नहीं है। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी, सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।